नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जोगिंदर, ये है आपका अपना चैनल 5 मिनट आयुर्वेदा। दोस्तों आज आपको बताने जा रहा हूँ थायराइड की समस्या को जड़ से ठीक करने के लिए दो ऐसे बेहतरीन नुस्खे, जिसके करने से जिन लोगों की थायराइड की समस्या बहुत पुरानी हो गई है, उन्होंने दवाइयाँ भी ले ली, इंजेक्शन भी लगवा लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन उनका थायराइड ठीक नहीं हो रहा, तो आप इन दोनों नुस्खों में से कोई एक नुस्खा रेगुलर करोगे आपके थायराइड की समस्या ठीक हो जाएगी। आपको सबसे पहले बताता हूँ थायराइड की समस्या क्यों आती है। सबसे पहला कारण है आयोडीन। आपके शरीर के अंदर आयोडीन ज़्यादा या कम हो जाए, इसके कारण थायराइड की समस्या आती है, ये ज़्यादातर होता है, लेकिन इसके पीछे और भी कई कारण हैं। अगर आप सफ़ेद नमक का इस्तेमाल करते हो तो आपके शरीर के अंदर आयोडीन की मात्रा पूरी है, पूरे से ज़्यादा ही है अगर आप सफ़ेद नमक का इस्तेमाल करते हो। तो सबसे पहली चीज़ है, जो सफ़ेद नमक है वो आप घर से बाहर फेंक दें। जो पत्थर वाला लाल रंग का नमक आपके घर के आसपास आंगे पर बेचने के लिए गांव से कुछ लोग आते हैं, उस नमक का आपको इस्तेमाल करना है। पीस कर पाउडर बना लें, सब्जी या कुछ भी बनाएं, आप पत्थर वाले नमक का इस्तेमाल करें। सफ़ेद नमक से शरीर के अंदर दुनिया भर की बीमारी आती है, आपकी हड्डियाँ भी कमज़ोर होती हैं। उस नमक को आप घर से बाहर निकाल दें और पत्थर वाले नमक का इस्तेमाल करें। इतना करने से थायराइड की प्रॉब्लम 90% तक ठीक हो जाएगी। दूसरा कारण है, जिस कारण से ये थायराइड की समस्या आती है, वो है मिलावट वाली चीज़ें। हमारे देश के अंदर 90% खाने पीने की चीज़ों के अंदर मिलावट है। मिलावट होती है, दूध के अंदर पानी मिला दिया, लेकिन हमारे देश के अंदर पेंट से दूध बनता है और वही सब लोग पीते हैं। तो यही कारण है सभी चीज़ें प्रदूषित और जहर वाली हो गई है, जिसको हमारा शरीर कभी भी हजम नहीं कर सकता, और इसी कारण से हमारे शरीर के अंदर बीमारियां आती हैं और हम ठीक नहीं हो पाते। तो खाना पीना बिल्कुल कबाड़ हो चुका है, उसी कारण से हम बीमार हो रहे हैं। तो आपको सिंपली किन किन बातों का ध्यान रखना है। जितने भी तेल मार्केट में मिलते हैं वो सब के सब बेकार हैं। खाना बनाने के लिए आप पीली सरसों का तेल, सरसों का तेल जो कच्ची घानी का होता है, और गोले का तेल आपके लिए अमृत है। आप गोले का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो, या आप जैतून का तेल का इस्तेमाल करो। पीतल की कढ़ाई के अंदर सब्जी या कुछ भी बनाने का मन करे, आप पीतल की कढ़ाई के अंदर सब्जी बनाएं और गोले के तेल का इस्तेमाल करें। आपके थायराइड की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक कर देगा गोले का तेल और पीतल की कढ़ाई। आप कुकर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। कुकर के अंदर सब्जी बनाने से और उसे खाने से आपको कैंसर होता है, और थायराइड की प्रॉब्लम जीवन में कभी ठीक नहीं होगी अगर आप कुकर के अंदर खाना बनाते हो। तो कुकर को भी आप घर से बाहर फेंक दो, और जो सफ़ेद नमक है उसे भी घर से हटा दो। पीतल की कढ़ाई और गोले का तेल, गोले का तेल 180 से 200 रुपए मात्रा में आपको मार्केट में मिल जाएगा, वो थायराइड के लिए सबसे बढ़िया है। और इसके बाद आती है बात खाना खाने की। खाना खाने के एक घंटे बाद आपको पानी पीना है। जब आप खाना खाने बैठे, जब आप कटोरी के अंदर अपने लिए सब्जी डालें, तो उस वक्त आपको एक चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करना है। एक चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल आप अपनी सब्जी के अंदर डाल दें। आप आधा चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हो। सब्जी के अंदर बिल्कुल अच्छे से मिलाने के बाद आप इस सब्जी को खाते हो जिसके अंदर आपने एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल मिलाया है। ये थायराइड को नेचुरली क्योर करता है। अगर आपने रेगुलर 3 से 4 महीने इतना कर लिया, अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है या वजन कम है या भूख ज़्यादा लगती है, आपकी 90% प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। गोला या गोले से बनी किसी भी चीज़ का आप सेवन करते हो तो थायराइड को बहुत तेज़ी से क्योर करता है। एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल थोड़ा सा महंगा है, लेकिन थायराइड को जड़ से ठीक करता है। और इसके बाद आती है बात सोयाबीन तेल की। या सोयाबीन से बनी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल आपके लिए जहर है। मार्केट में मिलने वाली जितनी भी चीज़ें सोयाबीन से बनी हुई हैं, जिसके आगे सोया लग गया, आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आप इन चीज़ों को खाओगे, ये आपकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। सोयाबीन तेल या सोयाबीन से बनी कोई भी चीज़ आपको छूनी तक नहीं है। और दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जिसके खाने से आपकी थायराइड की प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक होती है। सबसे पहली चीज़ है प्याज। आपको प्याज ज़रूर खानी चाहिए सलाद के रूप में, वो आपके थायराइड की प्रॉब्लम को ठीक करती है। दिन में अगर आप आधा लहसुन या एक लहसुन खाना खाने से पहले खाते हो तो आपकी थायराइड की प्रॉब्लम को ठीक करती है। लहसुन, मशरूम खाने से भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा।
टमाटर और हरी मिर्च के खाने से भी आपकी थायराइड की प्रॉब्लम में आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलती है, यहाँ तक कि ठीक हो जाती है थायराइड की प्रॉब्लम। स्ट्रॉबेरी भी आप ज़रूर खाएं। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो सी फूड खाने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। थायराइड की प्रॉब्लम को बहुत तेज़ी से ठीक करते हैं सी फूड यानी मछलियाँ। और अगर आप दूध पीते हो, अगर आपको गाय का दूध मिल जाए तो सबसे अच्छा है आपके लिए। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो दूध आप लें उसके अंदर मलाई बिल्कुल ना हो या कम से कम हो। दही भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और इसके साथ साथ अगर आप पनीर खाते हो वो भी आपकी थायराइड की प्रॉब्लम को बहुत तेज़ी से ठीक करती है। लेकिन जो खुला पनीर मार्केट में मिलता है वो जहर है। आप पैकेट वाला अच्छी कंपनी का पनीर इस्तेमाल करें। रोजाना 50 से 100 ग्राम अगर आप पनीर खाते हो, इतना करने से भी आपकी थायराइड की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। खीर आप जरूर खाएं, गाजर जरूर खाएं और उबले हुए आलू कम से कम 20 से 40 ग्राम रोजाना खाते हो, थायराइड को ठीक करने में मदद करता है। अगर किसी का वजन बढ़ा हुआ है वो उबले हुए आलू ना खाएं। और ब्राउन राइस खाने से भी थायराइड की प्रॉब्लम में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। अनार आप जरूर खाएं, खरबूजा भी आपके लिए फायदेमंद है। और इसके साथ साथ जो अंकुरित अनाज होता है वो भी आपकी थायराइड की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। आप सलाद जरूर खाएं, अंगूर खाएं, पाइनएप्पल खाएं, संतरा, गाजर और शकरकंदी, ये थायराइड की प्रॉब्लम को बहुत तेज़ी से ठीक करती है। और आपको क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो आपके थायराइड की प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है, जो आपके लिए जहर है। सबसे पहली चीज़ है लाल मिर्च। लाल मिर्च का सब्जी बनाने में इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। मसाले ज़्यादा आप इस्तेमाल ना करेंगे, आपकी थायराइड की प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है। मैदा और मलाई आपके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। तला फास्ट फूड, जंक फूड या चाइनीज़ फूड आप बिल्कुल ना खाएं। चीनी, चाय, कॉफ़ी, शराब आपके लिए जहर है। आप इन सभी चीज़ों से दूर रहें। और आप ब्रोकली भी बिल्कुल ना खाएं, फूल गोभी, बंद गोभी, मूली ये भी आप बिल्कुल ना खाएं। सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक या कोई भी मार्केट में मिलने वाले ड्रिंक होती है, आप उन्हें ना पिएं। वो आपकी बॉडी के अंदर इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी और यही कारण है आप परेशान हो जाओगे और आपकी थायराइड की समस्या बढ़ जाएगी। पैनकेक्स, जैम, जेली, कुकीज़, केक, कैंडीज, शुगर आपको बिल्कुल नहीं खानी। रिफाइंड तेल, सोयाबीन तेल या सफोला गोल्ड, कोई भी गोल्ड वाला तेल दुनिया भर का मिलता है मार्केट में, आपको इस्तेमाल नहीं करना बिल्कुल भी। और डालडा और वनस्पति घी का भी इस्तेमाल आपको सब्जी या कुछ भी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। दोस्तों मैंने आपको सभी की सभी चीज़ें बता दी हैं, आप कौन सी खा सकते हो और कौन सी चीज़ें आपके लिए जहर है। आप इन सभी बातों का ध्यान रखें। डेली रूटीन डाइट में आप इन सभी चीज़ों को सुबह शाम जरूर खाएं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं नुस्खे के बारे में। जो आपकी ग्रंथि होती है थायराइड, जो अच्छे से काम नहीं कर पाती, जिसके अंदर T3, T4 और TSH अनबैलेंस हो जाते हैं, जिस कारण से कुछ लोगों का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कुछ लोगों का वजन बिल्कुल कम हो जाता है, कुछ को तो भूख लगती ही नहीं है और कुछ लोग बार बार खाते ही रहते हैं। तो ये समस्या अगर आपकी हो गई है थायराइड होने के बाद, आप ये ना सोचे मुझे वजन बढ़ाना है और ये ना सोचे कि मुझे वजन घटाना है। आप सिंपली अपनी थायराइड की समस्या को ठीक कर लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वजन कम करने के लिए आप कुछ भी इस्तेमाल ना करें, आप सिंपली थायराइड को ठीक कर लीजिए। तो मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ, सिंपली आप इस वाले नुस्खे को कर लीजिए, आपकी ये समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नुस्खे के बारे में। थायराइड को सबसे बेहतर और सबसे अच्छे तरीके से क्योर करता है अखरोट। आपको दो अखरोट लेने हैं, मार्केट से लेकर आने हैं, जो मीडियम क्वालिटी के होते हैं अखरोट, आप वो घर पर लेकर आ जाएं, आधी किलो या एक किलो। सर्दी हो या गर्मी, दो अखरोट के जो अंदर गिरियां होती हैं आप उन्हें रात को एक गिलास पानी के अंदर भिगोकर रख दो और सुबह होने पर सबसे पहले बिना मुंह धोए, बिना ब्रश किए आपको एक गिलास पानी पीना है। जैसे मैं बैठा हूँ इस तरह बैठकर, फिर जो अखरोट की गिरियां हैं 15 से 20 मिनट बाद पानी पीने के आपको चबा चबा कर खानी है। और इन गिरियों के खाने के बाद आपको पानी बिल्कुल नहीं पीना, कुछ भी नहीं खाना एक घंटे तक। एक घंटे के बाद आपका जो भी मन करे आप खाओ। अखरोट की गिरियां एकमात्र एक ऐसी चीज है जो आपके थायराइड की समस्या को 100% जड़ से ठीक करती है। बस शर्त यह है आपको इसे रेगुलर खाना होगा। मेडिसिन आप 10 साल खाओ, अखरोट की गिरियां 6 से 8 महीने रेगुलर खा लो, आपकी थायराइड की प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाएगी। आप इसे नॉर्मल या ऐसे वैसा समझने की कोशिश ना करें, अखरोट की गिरियां बिल्कुल जड़ से ठीक कर देगी आपकी थायराइड की समस्या को।
और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दूसरे नुस्खे के बारे में। दूसरे नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए मेथी दाना, दूसरा आपको चाहिए अजवाइन और तीसरा आपको चाहिए दालचीनी। आप 100 ग्राम मेथी दाना, 100 ग्राम दालचीनी और 100 ग्राम अजवाइन पंसारी की दुकान से साफ सुथरी लेकर आएं। इन्हें अलग अलग कर कर मिक्सी में पीस लें। पीसने के बाद जब इनका पाउडर बन जाए, इन सभी को अच्छे से मिला लें एक साथ। फिर आपको सिंपली करना ये है, सुबह उठने के बाद एक गिलास पानी पीना है। 15 से 20 मिनट के बाद आपको आधे चम्मच से कम ये तीनों का मिला हुआ पाउडर लेना है, अपने मुंह के अंदर डाल लो और हल्का गुनगुना पानी आप इनके साथ पी जाओ। बस इतना करने से थायराइड की समस्या बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, पाउडर बिल्कुल बारीक करना है, इन तीनों का अलग अलग करके फिर सबको अच्छे से मिला देना है और आपको आधे चम्मच से कम इस्तेमाल करना है। रेगुलर आप कुछ महीने इन नुस्खों का इस्तेमाल करते हो, सेवन करते हो, आपकी थायराइड की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेडिसिन से आपकी जो थायराइड की प्रॉब्लम है वो सिंपली बैलेंस रहेगी, लेकिन बीमारी आपके शरीर के अंदर बढ़ जाएंगी। लेकिन जो नुस्खा मैंने आपको बताया है ये थायराइड को बिल्कुल जड़ से ठीक करता है। आपको मात्र 50 से 100 रुपये में ये तीनों चीजें आपको मिल जाएंगी। आप इस नुस्खे को गुनगुने पानी के साथ लें, हल्का गर्म पानी भी चलेगा। अगर आप सुबह दवाइयां लेते हो तो आप शाम को खाना खाने से पहले इस नुस्खे को कर सकते हो। आप अपनी दवाइयों को ना छोड़ें, डॉक्टर की सलाह से आप अपनी दवाइयों का डोज कम कर दें जब आपकी थायराइड की प्रॉब्लम धीरे धीरे करके ठीक होने लगे। एक समय ऐसा आएगा आपको दवाइयां बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन नुस्खों के करने के बाद, और आपका थायराइड की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और दोस्तों आप कॉपर, आयरन और फाइबर वाली चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, और जिन चीजों के अंदर विटामिन और मिनरल ज्यादा है आप उन चीजों का जरूर सेवन करें, ये भी आपके थायराइड की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक कर देंगी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और साथ के साथ जो सब्सक्राइब का लाल बटन है उसे जरूर दबाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और सब्सक्राइब करने से आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। समस्या सुझाव और समाधान के लिए आप कमेंट जरूर करें और मुझे इतना जरूर बताएं मुझे नेक्स्ट वीडियो किस चीज पर बनानी है। और दोस्तों मैं जल्द ही मिलता हूँ आपसे मेरी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।